डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों से बच जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई एम दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। और आज दोस्तों मैं लेके आया हूं गुरुकुल पॉइंट में सामान्य हिंदी का आज नया संस्करण लेके आया हूँ। अब तक आप जो भी वीडियो आपने देखा था वो वीडियो काफ़ी क्वालिटी थोड़ा सा ठीक नहीं था, इसलिए फिर शुरू से अंत तक पूरा वीडियो चैप्टर वाइज पूरा मैं पढ़ाने वाला हूं और नया प्लेलिस्ट इसका बनाऊंगा, उस प्लेलिस्ट से भी आप देख सकेंगे। तो आज मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बिल्कुल शुरुआत जीरो से कर रहा हूँ सामान्य हिंदी का। तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तब लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ऊपर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है व्याकरण। सामान्य हिंदी का चैप्टर शुरू होता है, ग्रामर जो शुरू होता है वर्णमाला से। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला, ठीक। तो हिंदी वर्णमाला को पढ़ने से पहले हम उसका कुछ बेस तैयार कर लेते हैं। क्या तैयार कर लेते हैं? बेस तैयार कर लेते हैं। यहां दोस्तों देखिए मैंने शुरू में लिखा है भाषा। अब भाषा क्या होता है? किसी भी दो मनुष्य के भावों और विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम जो होता है वो भाषा होता है, यानी इंसानों के कम्युनिकेशन का माध्यम होता है क्या? भाषा, ठीक। यानी दो इंसान हैं तो एक दूसरे से जब अपने भावों या विचारों का बोल के या किसी तरीके से अपने भावों को आदान प्रदान करते हैं, बोलते हैं, तो उस बोलने वाले चीज को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक है। तो आइए भाषा के बारे में जानते हैं। तो पहले हम इसकी उत्पत्ति के विषय में समझ लेते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के विषय में बच्चों समझेंगे तो एक भाषा हमारे यहां बोली जाती थी ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। क्या बोली जाती थी? ब्राह्मी लिपि। यह किससे संबंधित थी भाषा? कब बोली जाती थी? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की भाषा थी जो चित्रात्मक थी, जो अभी तक ना तो पढ़ी गई है ना तो वो समझी गई है, ठीक है, चित्रात्मक थी। फिर आगे जब हड़प्पा सभ्यता का क्या होता है? विनाश हो जाता है और एक नई सभ्यता आती है। कौन सी? वैदिक सभ्यता, ठीक। तो वैदिक सभ्यता में एक भाषा विकसित होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हम उस भाषा को कहते हैं संस्कृत, ठीक। और संस्कृत ही भारत के सभी भाषाओं की जननी है। तो यहां देखते हैं बच्चों, फिर आगे जब इसका रूप बदला तो प्राकृत हो गया, और यह प्राकृत भाषा जो है जैन धर्म से संबंधित है। फिर इसका रूप बदला तो पाली भाषा में आ गया, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म के समय सारे ग्रंथ और सारी भाषाएं इस चीजों में बोली जाती थी। पाली के बाद आया अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा आया, ठीक है। अपभ्रंश भाषाओं से कई शाखाएं निकल गईं, भारत में कई भाषाओं की उत्पत्ति होने लगी। उसी में एक भाषा आया अवहट। क्या भाषा आया? अवहट। और इसी अवहट से हमारी जो वर्तमान में हिंदी है वो अवहट से निकली हुई है। पूछ दे किससे निकली है? अपभ्रंश भाषा से। और उसमें किन भेदों से निकला है? अवहट भाषा से फिर हिंदी में आया। और हिंदी का वर्तमान प्रचलित रूप क्या है मेरे बच्चों? खड़ी बोली है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? ये मैं थोड़ा सा आपका बेस तैयार कर रहा था। तो अब हिंदी के ग्रामर के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रामर के विषय में इन छोटे छोटे शब्दों को जानना बड़ा जरूरी है, ठीक। मजा लेके पढ़िएगा, बिल्कुल तनाव लेके नहीं। तनाव लेके पढ़ेंगे तो फिर आप परीक्षा में डिस्टर्ब हो जाएंगे। मजा लेके पढ़िए, आनंद लेके पढ़िए। आनंद लेके पढ़ेंगे तो चीज ज्यादा समझ में आएगा और आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। और जब तनाव में पढ़ेंगे तो फिर तनाव में आप पढ़ नहीं पाएंगे। मजा लेके पढ़िए बिल्कुल, ठीक है।
अभी देखिए तनाव सुशांत सिंह ने लिया, बेचारा सुसाइड कर लिए हैं। बहुत सारे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे परीक्षा में फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करने की क्या जरूरत है यार, परीक्षा आता जाता रहता है, फिर परीक्षा आएगा, फिर एक बार हारे हैं फिर जीतेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल तनाव लेके नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं ध्वनि। अब ये कुछ मैं शब्द लिखा हूं, इनके बारे में पहले समझ लेंगे, फिर हम व्याकरण के स्वर और व्यंजन पे पहुंचेंगे। देखो, तो किसी भी हिंदी भाषा जो है, किसी भी भाषा का आप एक चीज समझ लेंगे कि भाषा जो है तीन प्रकार का होता है, ठीक। कौन सा? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या? जब हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे से बोलकर आदान प्रदान करते हैं तो मौखिक भाषा होता है। जैसे स्कूल में बच्चे जब प्रार्थना करते हैं तो गाना गाते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर जो करते हैं वो सुन के दूसरे बच्चे करते हैं, तो वो भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। लिखित भाषा वो भाषा जब हम अपने भावों को, विचारों को एक दूसरे को लिख के आदान प्रदान करते हैं तो वो भाषा कहलाती है लिखित भाषा। जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं, अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पे लिखना और बच्चों द्वारा उस लिखे हुए भाव विचारों को ग्रहण करना और लिख के फिर टीचर को बताना, ये क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है, ठीक है। फिर सांकेतिक भाषा, जब हम अपने भावों विचारों को या तो ना लिखकर या तो ना बोलकर बल्कि इशारों और संकेतों के माध्यम से जब हम आदान प्रदान करते हैं तो वो भाषा कहलाती है कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप चौराहे पे जब ट्रैफिक पुलिस रोकता है तो ऐसे करके रोकता है और फिर दूसरे लाइन को कहता है इधर जाओ, तो जब हम हाथों का इशारा करते हैं संकेतों के माध्यम से और बोलते नहीं है ना लिखते हैं तो वो भाषा क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो ये कुछ भाषा से संबंधित हो गया। अब भाषा के कुछ छोटी छोटी चीजों को जान लेंगे। पूछ देता है कभी कभी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इकाई जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी चीज क्या होती है? तो ध्वनि होती है मेरे बच्चों, ठीक। और ये जितना भी चीजें होती हैं तो ध्वनि जो होती है सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। और यह ध्वनि या तो सार्थक होगी या तो निरर्थक होगी, ठीक है। इसको मैं यश से प्रदर्शित करूंगा, इसको निरर्थक को यन से संकेत कर दे रहा हूं, ठीक। अब देखो, जब ध्वनि किसी भी भाषा का निकलेगा तो मैंने आपसे कह दिया कि क, मैंने कहा क, तो स्पष्ट है कि ध्वनि पूरा निकल गया। लेकिन मैं कह दूं कुकु कुकु कुलुलुलु, मजा मजा लेके पढ़िए। तो जब इस तरीके के भाषा बोला जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो निरर्थक ध्वनि के अंतर्गत कहलाता है। तो यहां से सिर्फ एक चीज समझने की जरूरत है कि किसी भी भाषा, दुनिया के किसी भी भाषा हो, उसकी सबसे मूलभूत छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है, ठीक है। इन्हीं ध्वनियों को हम अक्षर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ध्वनि को ही क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है, जब वो पूर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, ठीक। जैसे मैं आपसे कह दूं क म, ठीक, तो ये क्या है? यह सार्थक है। यहां पे मैं कहा ना कि सार्थक को यश से और निरर्थक को यन से प्रदर्शित करूंगा, तो ये सार्थक अक्षर है। लेकिन मैं यहां कह दूं ऐसे क और मैं ऐसे कर दूं इसको म, तो ये क्या है? निरर्थक ध्वनि है, ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए, इन्हीं ध्वनियों के योग से क्या बन जाता है मेरे बच्चों? वर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। जैसे क ख ग घ अंग, ठीक है। कहेंगे सर ककहरा पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ककहरा पढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में आपके ककहरा ही आएगा, ठीक है। यहां से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। यहां देखिए क ख ग घ अंग, तो ये वर्ण है। वर्ण क्या कहलाता है? जो पूर्णतः अपनी ध्वनि को स्पष्ट कर दे उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, ठीक। तो यहां से अ से लेके ज्ञ तक जितने भी हैं वर्ण हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे वर्णमाला। अब देखो, वर्णों के व्यवस्थित समूह
रखने की प्रक्रिया वर्णमाला कहलाती है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आ, छोटी बड़ी, समझ में आ रही है बात। ऐसे करके मैं ज्ञ तक लिख दिया सिस्टम से। अब देखो यहां पे पहले ह्रस्व ध्वनि रखी गई है, फिर दीर्घ रखी गई है, फिर ह्रस्व रखी गई है, फिर दीर्घ रखी गई है, सिस्टम से रखा गया है। माला देखे है ना, माला जो पहनाया जाता है मोती, उसमें एक किनारे इधर भी सिस्टम से रखा जाता है, सुंदर लगता है। इस प्रकार से वर्णों को व्यवस्थित समूह से रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये तो सार्थक हो गया, एक निरर्थक हो जाएगा। जैसे आ लिख दीजिए, ज्ञ लिख दीजिए, क लिख दीजिए, अ लिख दीजिए, ये सिस्टम से नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। और इन्हीं वर्णमाला के योग से, मेल से क्या बनता है मेरे बच्चों, क्या बनता है, एक सार्थक शब्द बनेगा, एक निरर्थक शब्द बनेगा। जैसे मैं आपसे कह दूं घर, अब देखिए दो वर्णों का मेल हो गया तो क्या बन गया, शब्द बन गया, ठीक है। और यह शब्द है सार्थक शब्द, यानी घर जब हम बोल रहे हैं तो हमें स्पष्ट हो जा रहा है कि आवास का बोध हो रहा है। लेकिन निरर्थक में रघ लिख दें तो रघ से कोई स्पष्ट भाव नहीं निकल रहा है, अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये निरर्थक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब इन्हीं शब्दों से वाक्य बनता है। एक बनेगा सार्थक वाक्य और एक बनेगा निरर्थक वाक्य। देखिए सार्थक वाक्य क्या बना, अब ये घर है तो लिख दीजिए मोहन घर जाता है, तो ये सार्थक शब्द है। देखिए पहले संज्ञा रखा गया है, फिर सिस्टम से ये सारी चीजें रखी गई हैं, लेकिन इसी को कह दिया जाए है घर जाता मोहन। देखिए शब्द सारे सही हैं, लेकिन इनके बैठाने का क्रम क्या है, गलत है, उल्टा पलटा है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सार्थक शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में, वाक्य को। वाक्य क्या होता है, जब हम अपने कहे हुए बात का संपूर्ण बोध करा दे तो उसे वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो आगे फिर बढ़ेंगे, इन्हीं सेंटेंस से क्या बन जाता है, गद्य बनता है, वो भी एक सार्थक बनता है और एक क्या बनता है, निरर्थक बनता है। अब गद्य ऐसा कोई सेंटेंस ले लेके एक कहानी बना दीजिए जिसका भाव संपूर्ण हमको समझ में आ जाए तो सार्थक गद्य होगा, और कोई ऐसा कहानी लिखा जा रहा है जिसका न सिरा पता है न अंत पता है, घाल मेल खिचड़ी कर दिया गया है, तो निरर्थक गद्य हो जाएगा। अब उसी प्रकार से देखिए इन पदों का निर्माण होता है। पद मीन्स होता है कविता। जब लय तुक छंद यति गति अलंकार रस छंद का प्रयोग करके हम कोई काव्य की रचना करते हैं तो अब क्या कहलाता है, पद कहलाता है, ठीक है। इसके भी सार्थक होते हैं, एक निरर्थक होते हैं। जो समझ में आ जाए, जो स्पष्ट हो जाए वो सार्थक होता है, जो समझ में ना आए वो निरर्थक होता है। निरर्थक मतलब बेकार, और सार्थक मतलब जो उपयोग में लाने लायक हो, ठीक है। ये तो मैं बेस तैयार कर रहा था, लेकिन अब एक चीज हम क्या जानेंगे, वर्णमाला के विषय में जानेंगे, ठीक। तो ये आपका आ गया वर्णमाला। अब देखिए वर्णमाला में अ से लेके ज्ञ तक ये सारे वर्णमाला हैं, हमारे वर्ण हैं। इनको कई भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, एक स्वर और एक व्यंजन। अंग्रेजी अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो अंग्रेजी में भी देखे होंगे ना, ए ई आई ओ यू, और ए ई आई ओ यू को छोड़ के अन्य जितने भी उनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है, और ए ई आई ओ यू को वॉवेल्स कहा जाता है। और तभी शब्द अंग्रेजी में बनता है जब वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का क्या होता है, समाहित होते हैं, जुड़ते हैं। बिना वॉवेल्स और बिना कॉन्सोनेंट की सहायता से कोई शब्द ही नहीं बनेगा, ठीक। तो यहां पे भी हम हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांट देंगे, एक स्वर और एक व्यंजन। तो आज हम व्यंजन के विषय में बात नहीं करेंगे, हम इनके विषय में अगले वीडियो में बात करेंगे। आज सिर्फ बात हम लोग करेंगे किस पे, स्वर पे। तो पहले हम क्या करें, स्वरों को लिख लें, आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री, लिख लिए भाई, पढ़ भी लीजिए, ठीक है। अब यहां पे री के बाद ए, फिर ए, फिर ओ, फिर औ,
फिर अंग और फिर अह। अब एक चीज यहां ध्यान रखेंगे कि हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, ठीक। संस्कृत में पूछ दे तो 9 होता है, ठीक है। तो यहां देखिए, अब यहां पे मैंने लिखा तो इनकी संख्या 13 हो गई है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। चूंकि मैंने शुरू में बताया कि 11 होता है और लिख 13 दिया हूं, कंफ्यूज हो गए होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये अंग और अह स्वरों के साथ लिखा तो जरूर जाता है मेरे बच्चों, लेकिन इनको स्वरों में गिनती नहीं किया जाता है। एक होता है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक, ठीक। अनुस्वार वर्ण भी कहा जाता है और अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है, और इन दोनों को अयोगवाह भी कहा जाता है, अयोगवाह। और किसने कहा था अयोगवा? या किशोरीदास, किशोरीदास वाजपेयी जी ने अंग और अह को क्या कहा है? अयोगवा कहा है। क्यों? क्योंकि ये जो अंग है इसका साउंड निकलता है नाक से, और अनुनासिक जो वर्ण है वह नाक और मुंह दोनों से निकलता है, ठीक। तनुनासिक वर्ण इन्हें कहा जाता है और इसे अनुस्वार कहा जाता है। याद रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछता है कि निम्न चार विकल्पों में से कौन सा वर्ण अनुस्वार है, तो अंग अनुस्वार है, और अनुनासिक पूछ दे तो अह, और अनुस्वार और अनुनासिक के बाद पूछ दे कि अयोगवाह किन्हें कहा जाता है, अंग और अह को, और पूछ दे कि अयोगवाह किसने कहा था अंग और अह को, तो किशोरीदास वाजपेयी ने कहा था। एक चीज यहां और याद रखिएगा, किशोरीदास वाजपेयी को उपनाम से जानते हैं, हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं। कौन? किशोरीदास वाजपेयी जी, ठीक। तो ये तो अब इन दोनों को निकाल देंगे तो 11 बच गया, हो गया ना। अब आते हैं, अब देखते हैं, इधर का मैं इरेज कर दे रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब इधर ही हम लोग पढ़ेंगे, यहां पे हम देखेंगे कि स्वरों के, अब ये स्वर आपने लिख लिया, अब इसकी थोड़ी सी हम परिभाषा याद कर लें। देखो मेरे बच्चों, आप एग्जाम में रट्टा मार के जाते हैं, रट्टा नहीं मारना है, आप किसी भी चीज का आपको क्या करना है, आपको परिभाषा याद करना है। एक बार आपने उसको समझ लिया ना तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखो ये स्वर होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा आप समझ लीजिए। स्वर किन्हें कहेंगे? वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हो, वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता लिए बिना बोले जाते हो, वे वर्ण जो स्वतंत्र हो, जो पूर्ण हो, जो किसी के योग से ना बनते हो, जो किसी की मदद ना लेते हो, उन्हें स्वर कहते हैं। बात समझ गए? स्वर उन्हें कहा जाता है जो बिना किसी की मदद लिए बिना अपना उच्चारण करते हो। जैसे मैं आपसे कह दूं कि अ, अब ये किसी की मदद नहीं ले रहा है, आ किसी की मदद नहीं ले, पूर्ण है, स्वतंत्र है, इसका खंडन ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं कह दूं क, तो देखो मेरे बच्चों, क में पहले क छुपा है फिर अ छुपा है, तब न क हुआ है, यानी कि इसमें वावेल्स का मदद लिया गया है, यानी इसमें स्वरों की सहायता ली गई है, लेकिन स्वरों में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इतनी बार समझ में आ गई? समझ लीजिए, इतने बेहतरीन तरीके से फिर आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे स्वरों के भेद के विषय में। यहां बच्चों मैं छोटा छोटा आपको ट्रिक दूंगा, उन ट्रिक के माध्यम से आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए स्वरों के भेद में पहले तो हम तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे, एक ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरा पढ़ेंगे दीर्घ स्वर वर्ण, तीसरा पढ़ेंगे संयुक्त स्वर वर्ण, ठीक। ये पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। अब देखो ह्रस्व क्या कहता है, अब ह्रस्व का मतलब क्या होता है? ऐसे स्वर वर्ण
जिनका उच्चारण सबसे कम समय में होता हो उन्हें ह्रस्व वर्ण कहते हैं। ठीक, देखो अब इन 11 में से देखो किसका उच्चारण सबसे कम समय में हो रहा है। तो बाबू पढ़ो मेरे साथ ना, अ आ। अब देखो जितना देर में आपने अ पढ़ा उसका दुगुना समय लिया आ, इसीलिए इसको कहा जाता है लघु और इसको कहा जाता है गुरु। यानी ये एक मात्रा का समय लेता है और ये इसका दूना समय लेगा तो दो मात्रा का लेता है। जब आप छंद पढ़ेंगे तो उनमें इन्हीं मात्राओं से आप समझेंगे एक सोरठा क्या है, रोला क्या है। ठीक है, तो समझ लीजिए, तो अ सबसे पहले निकला, फिर आ दुगुना ले रहा है, ई ए हो गया। ठीक है, फिर बड़ी दुगुना समय ले रहा है, उ री। तो इनकी संख्या पाई जाती है मेरे बच्चों चार, कौन कौन सा, अ छोटी छोटा उ री। भूलेंगे नहीं ना कभी, प्रश्न ऐसे ही पूछेगा कि निम्न चार विकल्पों में से कौन सा ह्रस्व स्वर वर्ण है, तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक, चलिए तो ये चार हो गया। अब देखेंगे दीर्घ, दीर्घ मतलब लंबा, ह्रस्व मतलब छोटा। तो ये तो आपका था क्या ह्रस्व और ये क्या है दीर्घ। तो अब देखते हैं, चार तो मैंने कर लिया, छोटा उ कर लिया, री कर लिया और ये यहां पे अ कर लिया। अब क्या दीर्घ कौन होता है, अब यही दीर्घ होगा आपका आ, इसी का दुगुना समय तो ले रहा है और ये छोटी का दुगुना समय ले रहा है और ये छोटा उ का दुगुना समय ले रहा है। तीन की संख्या कितनी हो गई बच्चों, तीन। कौन कौन सा, आ बड़ी बड़ा उ। समझ में आ गई बात। चलिए अब देखते हैं संयुक्त, अब संयुक्त में कितने बचे हैं, यही तो चार बचे हैं, चार यही तो बचे हैं ना। तो यहां पे देखिए एक ए बचा है, एक ए बचा है, एक ओ बचा है, एक ओ बचा है, इन्हीं को कहते हैं संयुक्त स्वर वर्ण। संयुक्त कैसे है, ओ। अब ये संयुक्त होता है यानी जुड़ता है। ठीक है, कैसे, अ और ई मिलके, अ धन ई मिलके ए बन जाता है। फिर देखते हैं अ धन ए मिलके क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ठीक है, यहां पे अ धन उ मिलके क्या बन जाता है, ओ बन जाता है और अ धन ओ मिलके क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। देखो यहां पे मात्रा एक लगाते हैं, यहां पे आय की दो लगाते हैं, यहां एक लगाएंगे यहां पे, यानी संयुक्त कर लिया, जोड़ लिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, चार। एक चीज और मेरे बच्चों याद रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछ देता है कभी कभी, संख्या पूछ देता है कि निम्न चार विकल्पों में से ह्रस्व स्वर वर्ण का संख्या कितना है। तो चार तीन चार, अगर ऐसे ना याद हो तो ह को हम यच से प्रदर्शित कर दें, दी को दीर्घ को डी से कर दें और संयुक्त को यस से कर दें, एचडीएस। क्या एचडीएस, यहां पे स्वर लिख दीजिए, ये बना दिया आपने ट्रिक एचडीएस। और यहां पे याद कर लीजिए चार तीन चार, 434। तो इतना याद कर लेंगे ना, एचडीएस 434, तो याद हो जाएगा कि एच से ह्रस्व संख्या चार, डी से दीर्घ तीन और यस से संयुक्त चार। ये समझ में आ गई बात। चलिए तो इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए अब आगे क्या बढ़ेंगे, ये तो हो गया, ये कुछ भेद हो गए, इसके बाद भी कुछ पूछता है, क्या पूछेगा आइए देखते हैं। पूछ देगा कभी कभी अग्रस्वर, ठीक, फिर एक पूछ देगा मध्य स्वर वर्ण, यहां वर्ण लिख दीजिए और यहां पे लिख देगा पश्च स्वर वर्ण। कहेंगे सर ये क्या आप कर रहे हैं, अभी तक तो मैंने सिर्फ यही पढ़ा था कि ह्रस्व दीर्घ संयुक्त प्लुत, आप ये कहां से तीन ला दिए। तो प्रश्न अब यहीं से पूछ रहे हैं मेरे बच्चों, तो याद रखेंगे। देखो यहां पे मैं अगर एक आदमी का चित्र बना दूं ऐसे, ठीक है, ये नाक हो गया, ये मुंह हो गया, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अग्र और पश्च का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। ठीक है, ठीक है, ये कान बन गया, बड़ा गलत कान बन गया भाई, हैं
अच्छा अब सही बन गया। चलिए आग्र का मतलब यह है ऐसे स्वर वर्ण, स्वरों का ही केवल पूछ रहा है, ऐसे स्वर वर्ण जो मुंह के अगले भाग से ही बोले जाते हों तो उन्हें अग्र स्वर कहेंगे, ऐसे स्वर वर्ण जो मध्य में बोले जाते हों तो उन्हें मध्य स्वर वर्ण कहेंगे, ऐसे स्वर वर्ण जो पीछे से साउंड निकलता हो तो उन्हें पश्च स्वर वर्ण कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो जब समझ में आ गई तो देखिए छोटी ई बड़ी ई ए और फिर एक शब्द आता है ए, ये संख्या हो गया आपका चार। ठीक है, मध्य में आ जाएंगे तो मध्य में एक ही वर्ण आता है कौन सा अ, इनकी संख्या कितनी है एक। पश्च स्वर में जब आएंगे तो आपका आ जाएगा आ छोटा उ बड़ा उ और इसके बाद आ जाएगा ओ और ओ, इनकी संख्या कितनी हो गई पांच। अब आप कहेंगे सर सिद्ध करिए, तो चलिए आप सिद्ध ही कर लेते हैं। पहले हम अग्र स्वर से देखेंगे, इन्हीं को पढ़ेंगे, जब आपको परीक्षा में ना समझ में आए ना तो अ से अह तक तो याद होगा ना, अरे भाई कक्षा एक से पढ़ रहे हैं ना कख गघ, ये तो याद होगा ना, स्वर तो पढ़ लेंगे ना, तो इन्हीं को पढ़ना है। अब देखिए उच्चारण करिए, सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे अग्र स्वर को कि देखें मुंह के अगले हिस्से से आवाज आता है नहीं आता है। देखिए अ अ, देखिए बीच क्या हो रहा है, बीच में आवाज आ रही है, आ पीछे से निकल रहा है, ई देखिए तो ई ई ए ए, देखिए आगे ही पता लग रहा है कि हमारा साउंड आगे से ही निकल रहा है, अ बोलिए मेरे साथ अ, तो यहां पे बीच से निकल रहा है, इस जगह से अ निकल रहा है, ठीक है, और आ तो पीछे से निकल रहा है, उ बड़ा उ ओ ओ तो ये पीछे से निकल रहा है, ठीक है, आ से लेके अ तक पीछे से निकल रहा है, ये पांच वर्ण और ये एक वर्ण बीच से और ये एक वर्ण आगे से। इतनी बात समझ में आ गई? तो अग्र स्वर, अब इसका भी एक ट्रिक बना लीजिए न याद आए तो, इसका क्या करेंगे, अग्र का ए लिख दीजिए, मध्य का एम लिख दीजिए और प का पी और इसको लिख दीजिए स्वर, तो ए एम पी, ए एम पी बराबर क्या, यहां पे चार एक और पांच 415 एच डी एस आप लिखे थे ना, उसी प्रकार से इसको समझ लीजिए, तो ये याद हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करें। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहां देखते हैं बच्चों एक चीज, जब आएगा एक और पूछता है ओष्ट आकृति के आधार पर स्वर वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, ओष्ट आकृति पे देख लीजिए, तो एक कहलाएगा वृत्ताकार स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, एक कहलाएगा अर्ध वृत्ताकार स्वर वर्ण, समझ में आया। अब देखो वृत्ताकार स्वर वर्ण क्या है और अर्ध वृत्ताकार स्वर वर्ण क्या है, ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में ओष्ठ की आकृति गोल हो जाए तो उन्हें वृत्ताकार स्वर वर्ण कहेंगे, और ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में ओष्ठ की आकृति पूरा गोल न हो के आधा गोल हो जाए, अर्धवृत्ताकार हो जाए, तो उन्हें अर्धवृत्ताकार स्वर वर्ण कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए वृत्ताकार में आएंगे तो देखेंगे हम कि छोटा उ बड़ा उ, फिर हम देखेंगे कि ओ और औ, अब इनकी संख्या कितनी चार, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहां पे अर्ध वृत्ताकार में अ आ छोटी और बड़ी और ए और ए, ठीक, इनकी संख्या कितनी हो गई छह हो गई। अब मेरे बच्चों यहां देखो आप लोग कि जब मैं ऊ, यहां मेरे ओष्ठ पे ध्यान दीजिए, ऊ तो गोल हो जा रहा है ना, बड़ा ऊ फिर ओ फिर ओ तो गोल हो जा रहा है, तो कौन सा स्वर वर्ण, वृत्ताकार स्वर वर्ण, समझ में आ गई बात। चलिए यहां पे देखेंगे कि जिन स्वर वर्णों को बोलने में ओष्ठ की आकृति पूरा गोल ना हो ऐसे हो जाए,
अर्धवृत्ताकार हो जाए। तो यहां देखिए अ, अब यहां पे मैंने कहा ऊ अ ऊ अ ऊ अ, तो देखो ऊ गोल हो गया ना, अ पूरा गोल नहीं हुआ, आ ई ई ए ऐ, यानी कैसा हुआ, ऐसा हुआ। समझ में आ गई बात। तो संख्या पूछ देगा तो वृत्ताकार स्वर वर्णों की संख्या चार और अर्धवृत्ताकार स्वर वर्णों की संख्या छह। ठीक, अब एक और यहां पूछता है प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर वर्ण। तो देखो प्लुप्त स्वर वर्ण क्या होता है कि ऐसे स्वर वर्ण जो न तो हरस्व स्वर वर्ण की मात्रा ले न दीर्घ स्वर वर्ण की मात्रा ले, बल्कि दीर्घ स्वर से भी तीन मात्रा या उससे अधिक का समय ले तो प्लुप्त स्वर वर्ण होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं ओम, अब देखो यहां ऊ जो है ना, जब ओम बोलेंगे तो बोलिए ना ओम, तो ऊ जो है देर तक जाएगा, तीन मात्रा का समय लेगा और उससे भी अधिक मात्रा का समय लेगा, इसीलिए ओ लिख के और ऊ लिख के ऐसे 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 करते रहे और म यहां कर देते हैं तो ओम हो जाता है। तो ये प्लुप्त हो गया। आपके गांव या ग्रामीण क्षेत्र में आप किसी बुलाते हैं ना हे, तो देर तक जब साउंड करते हैं वही प्लुप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके आगे हम देखेंगे, हमने पढ़ लिया ह्रस्व दीर्घ अग्रस्वर मध्य स्वर पश्च स्वर, फिर हमने वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार और प्लुप्त स्वर पढ़ लिया। एक चीज छूट रहा है क्या, कि इन स्वर वर्णों का उच्चारण स्पर्श कहां कहां से होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कहां से उच्चारण होता है। अब आपका देखो ये भी तैयार हो गया, यहां से भी प्रश्न मेरे बच्चों बार बार पूछा जाता है। देखो यहां पे मैंने उच्चारण के स्थान पे स्वरों का वर्गीकरण कर दिया है। उच्चारण मतलब कहां से कौन सा स्वर वर्ण उच्चारित होता है, कंठ से होगा, मूर्धा से होगा, तालु से होगा, कोष्ठ से होगा, ठीक है, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, यहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। देखिए यहां पे मैंने क्रम संख्या डाला है, यहां पे स्वर वर्ण उच्चारण स्थान यानी स्वरों का उच्चारण स्थान का नाम लिखा है, यहां पे हरस्व स्वर लिखा है, यहां पे दीर्घ लिखा है और यहां पे क्या अनुनासिक वर्ण लिखा है। यहां पे देखिए तालु, देखो पहला तालु से निकलता है छोटी ई, हरस्व निकलता है और दीर्घ में बड़ी ई और ई, ई पर चंद्रमा वाला अनुनासिक वर्ण, मूर्धा में री आएगा, बाकी दो खाली है, ठीक है। ओष्ठ से छोटा ऊ बड़ा ऊ और अनुनासिका में कोई वर्ण नहीं होता है। कंठ से अ आ और अ और आ अनुनासिका का ये आ गया। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य मतलब यहां पे देखिए कभी कंठ तालव्य पूछ दे या कंठ धन तालु बराबर है, यानी दो जगहों से स्पर्श करता है कौन, ए और ए, बाकी अनुनासिका का कोई वर्ण नहीं है और हरस्व भी कोई वर्ण नहीं है, ठीक। अच्छा एक प्रश्न आपका आ रहा होगा सर ये दीर्घ कैसे हो गया, देखो संयुक्त को दीर्घ भी स्वर कहा जाता है, ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे, अपवाद रूप में है इसको समझ लेंगे। कंठोष्ठ, कंठ धन ओष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ दोनों के यहां स्पर्श से निकलता है, वहां से साउंड निकलता कौन, ओ और अ, समझ में आया। तो दोस्तों आज मैंने सिर्फ स्वर वर्ण पढ़ाया, अगले वीडियो में आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा और सेम ऐसे ही पढ़ाऊंगा, एक भी प्रश्न छोड़ूंगा नहीं। और दोस्तों मैं उम्मीद आपसे इतना तो कर ही सकता हूं कि इतना पसीना मेरा निकला है तो कम से कम एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट तो बनता ही बनता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप नए देखने वाले हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बड़े यूट्यूबर अच्छा पढ़ाते हैं यह बात हमेशा सत्य नहीं होती है, कभी कभी छोटे यूट्यूबर भी पढ़ाएंगे। अगर आपका सहयोग मिलेगा, आपका प्यार और दुलार बनेगा तो एक दिन गुरुकुल चैनल भी बड़े चैनलों की लिस्ट में आएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।